तो भाई आज बना रहे हैं बहुत ही पौष्टिक कटलेट। बना रहे हैं सोया का कटलेट, बिना ब्रेड क्रम्स के, बिना मैदे के, बिना कॉर्नफ्लोर के और बहुत ही कम ऑयल में। झटपट बन जाने वाला स्नैक और बहुत ही स्वादिष्ट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने सोया के ग्रैन्यूल्स को करीबन आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। हमने छोटे ग्रैन्यूल्स लिए, आप चाहें तो बड़े वाले चंक्स भी ले सकते हैं। तो इसे भिगो के रखने के बाद इसे 2 से 3 बार हमने पानी में धोया है। ऐसे साफ करने से इसकी डस्ट निकल जाती है और आपको कोई स्मेल भी नहीं आएगी सोया की, इसलिए करीब 2 से 3 बार इसे पानी के साथ धो दीजिएगा। और धोने के बाद इसमें जितना भी पानी है वो स्क्वीज आउट कर देना है। चाप बनाते वक्त या कटलेट बनाते वक्त इसमें पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा ना तो हमें बनाते वक्त थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और अब पानी स्क्वीज करने के बाद सोया के चंक्स को डाल रहे हैं मिक्सी के बाउल में और अब इसे ग्राइंड कर देंगे। ध्यान दीजिए हम पानी बिल्कुल ही नहीं डाल रहे हैं इसमें, तो पिसने के बाद ये दरदरा ही पिसेगा और हमें ऐसे ही चाहिए। और अब पिसे हुए सोया को डाला एक बड़े बाउल में जिसमें बनाएंगे हम कटलेट्स के लिए मिक्सचर। और अब डाल रहे हैं इसमें पुदीना जिसे हमने धो के काटा हुआ है और ताज़ा धनिया पत्ती, फ्रेश कॉरियंडर लीव्स हैं। और डाल रहे हैं हरी मिर्ची, हम बहुत ही फाइनली चॉप करके डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसे पीस के डाल सकते हैं। और डाल रहे हैं प्याज, उसे भी फाइनली चॉप किया हुआ है। और अब अदरक को कद्दूकस करके डाल रहे हैं, वैसे आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये गया नमक, डालिएगा स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर इसे तीखा करने के लिए। और डाल रहे हैं इसमें बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला, वैसे आपको बहुत तीखा नहीं चाहिए ना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये डाल रहे हैं इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर, चाट मसाला भी ज़रूर डालिएगा, चटपटा स्वाद आएगा इसका। और अब डाल रहे हैं इसमें ड्राई कोरिएंडर सीड्स, क्रश करके डाल रहे हैं, ये सूखा धनिया के सीड्स हैं जिसे क्रश करके डाल रहे हैं। और डाल रहे हैं इसमें आलू, तो बस आलू को उबाल के पील करके उसे मैश किया हुआ है। और इन सबको अब कर दे रहे हैं मिक्स। तो ये बेस मिक्सचर तो रेडी हो गया है, लेकिन इसे बाइंड करने के लिए इसमें डालेंगे बेसन। तो क्योंकि इन कटलेट्स को हम डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, इसलिए बेसन को हल्के से रोस्ट करके डालेंगे, नहीं तो वो कच्चा लग सकता है। तो कढ़ाई में थोड़े से ऑयल में बेसन को रोस्ट कर रहे हैं, धीमी आंच पर करिएगा नहीं तो ये जल सकता है। बस 2 से 3 मिनट में जैसे इसका रंग बदलना शुरू होता है, मतलब ये रोस्ट हो चुका है, इसे निकाल के डाल दीजिए हमारे मिक्सचर में और इसे भी कर दीजिए अच्छी तरह से मिक्स। तो मिक्सचर रेडी हो चुका है। वैसे आप चाहें तो इसमें गाजर, शिमला मिर्ची, ऐसे और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, कद्दूकस करके डालिएगा, स्वाद अच्छा ही आएगा। तो ये मिक्सचर रेडी हो जाने के बाद इसके बना रहे हैं हम टिक्की। तो पहले तो हाथों को कर दे रहे हैं ग्रीस ऑयल के साथ ताकि इसे आसानी से बना पाएं। तो आप इसे कटलेट कहिए, चाप कहिए, टिक्की कहिए, कबाब कहिए, जैसी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो बस इसे हम छोटी सी टिक्की का शेप दे रहे हैं और अब इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तवे पे डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और अभी जितने भी टिक्की हैं इनको दोनों तरफ से हम ऐसे शैलो फ्राई करेंगे। हम थोड़े से ऑयल में ही शैलो फ्राई कर रहे हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आपको धीमी आँच पर इसे शैलो फ्राई करना चाहिए और आपको ज़्यादा ऑयल डाल के इसे शैलो फ्राई करना चाहिए। आपको लगेंगे 3 से 4 मिनट एक राउंड को फ्राई करने के लिए। बस ऐसे होते ये तो रेडी है खाने के लिए। चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, मेयो के साथ खाइए, आता है बड़ा मज़ा, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपकी सोया चाप या सोया टिक्की कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।